किया जा रहा है, किस तरह की फिल्म होगी और अपने बारे में कुछ बताइए ना कुछ। ये मेरी एज ए डायरेक्टर भोजपुरी पहली फिल्म है और नफ़रत की चिंगारी एक छोटा सा सीक्वेंस है दुश्मनी के लिए जिसे हम नफ़रत की चिंगारी दे रहे हैं, बट ये रियल में लव स्टोरी है। एक ऐसी कहानी है कि वही अमीर गरीब की बहुत सारी जो लव स्टोरी होती है पूरा लव स्टोरी बेस्ड है। हीरोइन का जो है थोड़ा डबल साइड आ रहा है जिसे हम डबल रोल भी कहते हैं, उसका थोड़ा सा अलग है, हीरो सिंगल है। और हम यूपी में शूट करने वाले हैं, लालगंज आजमगढ़ के ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में होने वाली है। ये है फिल्म की बॉलीवुड में तो मुझे करीब 17 साल हो चुके हैं और बहुत सारा प्रोजेक्ट किया है और ऑलरेडी 2-3 फिल्में फ्लोर पे हैं और एक हिंदी है, 2 भोजपुरी है और ये फर्स्ट फ्लोर भोजपुरी कर रहे हैं। हिंदी का जो है मुहूर्त किया है और इसके बाद नेक्स्ट हम हिंदी फिल्म कर लिया है। नहीं अभी मैंने मुहूर्त किया और मुहूर्त के बाद जो है हम साइनिंग करना मुहूर्त किया और मुहूर्त के बाद हम साइनिंग करना चालू कर रहे हैं और सिलेक्शन कर रहे हैं थोड़ा डिस्कस करके टीम के साथ। हाँ कुछ हैं जैसे बहुत सारे चेहरे हैं, मैं नाम नहीं अभी लेना चाहता क्योंकि जो है कंफर्म हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। हैं भोजपुरी से ही और अच्छे हैं और कई फिल्में किया उन लोगों ने, वो हमारी नज़र में है। आप जो है हीरोइन के माँ का कैरेक्टर है, मीता जी हैं और हीरोइन का माँ का कैरेक्टर करने वाली हैं और मेरे साथ ये भी फर्स्ट भोजपुरी फिल्म करें, राइट? आप बताएं। हाँ मैं मीता मित्रा हूँ और अमन जी के साथ मेरा फर्स्ट ये पहला फिल्म है भोजपुरी का और मैं हीरोइन की मदर की कैरेक्टर कर रही हूँ और जिसमें मेरा 2 बेटियाँ होती है तो एक बेटी मेरा एक हादसा से कुछ चला जाता है, मिसिंग हो जाता है, सेकेंड बेटी है रहती है मेरी। ये फिल्म की कहानी है जो नफरत की चिंगारी है और मुझे अच्छा लगा कि अमन जी के साथ मैंने पहला फिल्म भोजपुरी कर रही हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस रहेगा मेरे लिए, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगी इसके लिए। सो मैं थैंक्स फॉर अमन जी कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया है भोजपुरी फिल्म के लिए। एक्चुअली मैं हूँ तो गोरखपुर से, बेसिकली भोजपुरी फील्ड से हूँ, भोजपुरी मेरी लैंग्वेज है और कुछ लोगों ने कहा रिक्वायर किया कि आप भोजपुरी करें। बहुत सारे मेरे आर्टिस्ट और कलीग हैं जो भोजपुरी करना चाहते हैं और करते रहते हैं तो सारे लोगों की रिक्वायरमेंट थी और सबका दिली ख्वाहिश था कि अगर आप करते हैं तो कुछ नया होगा और बहुत सारे लोगों के जो प्यार हैं भरोसा है कि अमन जी को लेके करें तो मैं कहा कि ठीक है करते हैं और एग्री हुआ और इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक नहीं आई अमन जी है कैरेक्टर। एक्चुअली मैंने इसीलिए सोचा कुछ कास्ट हमारे ऐसे हैं, कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो भोजपुरी से थोड़ा सा अलग हैं, कुछ हिंदी के फील्ड से मैंने अगर सिलेक्शन किया है तो मैंने सोचा है कि इसको हम देखते हैं, अगर बहुत अच्छा रहा तो हम थोड़ा सा अवधि कर लेंगे तो थोड़ा सबको एक ईजी हो जाएगा। अब मेरी इंटरेस्टिंग है कि भोजपुरी मैंने कभी किया नहीं तो मेरा पहला एक्सपीरियंस है तो इसलिए इंटरेस्ट। और ऑल इंडिया हर सारी टेरिटरी में भोजपुरी के लोग हैं, इतने फैन फॉलोअर्स हैं, इतने लोग स्टार बन रहे हैं, भोजपुरी का बहुत बड़ा एक मार्केट है तो इसमें कोई डाउट नहीं, बेटर है, बहुत अच्छा है। ये हम लोगों का जो टीम का डिसीजन है कि हम लोग इसी मंथ 25 तक फ्लोर पे जाएंगे, इतने टाइमिंग में हम लोग जितना हो सकता है फास्ट काम करेंगे क्योंकि जुलाई और अगस्त तक हमको दूसरी फिल्म स्टार्ट करनी है। रिलीजिंग का जो टाइमिंग है कि फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन जाएगी सिचुएशन है और जो भी बड़े हमारे भोजपुरी के कलाकार हैं उन लोगों का जो सिनेमा हॉल की बुकिंग और उनकी जो रिलीजिंग होती है उसके बीच में जो स्पेस मिलता है हम उसमें कंफर्टेबल महसूस करके रिलीज करेंगे। म्यूजिक तो इसमें म्यूजिक डायरेक्टर के लिए मैं जो है अपने एक सिंगर हमारे हैं जो फिक्स हैं और म्यूजिक रिलेशन वो सारी डिटेल देंगे, आभास चतुर्वेदी जी आजमगढ़ के सिंगर हैं और बहुत अच्छा इस समय उनका बहुत सारे सॉन्ग आ रहे हैं और बहुत टैलेंटेड हैं और बिल्कुल भोजपुरी से देखा जाए तो मुझे जो चाहिए होता है वो सेटिस्फेक्शन देते हैं गायकी में, तो मैं चाहूँगा कि बिल्कुल म्यूजिक के लिए जो हमारा डिटेल जी। सबसे पहले आपको नमस्कार, मैं आभास चतुर्वेदी और अभी तक मैं एल्बम करता था, मेरा पहला फिल्म है और अभी हम इस फिल्म में 7 गाने हैं और 2 लव सॉन्ग है और 1 सेक्स सॉन्ग है और एक
आप के लिए सपने में ड्रीम सॉन्ग, ड्रीम सॉन्ग है, सीक्वेंस है, ड्रीम सॉन्ग है। होली का भी एक सॉन्ग डाल रहे हैं, होली का एक सॉन्ग टाइटल है। टोटल जो है टाइटल लेकर के हमारे 8 सॉन्ग होंगे। तो अभी जिसमें से 3 सॉन्ग मैं कर रहा हूँ, बाकी इंदु सोनाली जी हैं और उदित नारायण जी हैं, और बाकी के अगर उसमें अगर और एक्स्ट्रा ऐड होगा अभी कुछ हाँ बिल्कुल लाउड उसमें और ऐड होगा तो फिर आगे देखा जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी इसके पहले अभी किए थे हम भगवान कसम लागे लू बन के हिरनिया, और एक सॉन्ग आया था अपना श्रुति म्यूजिक कंपनी से, उसका सॉन्ग था मन के महल में हमरा हो, मन के महल में हमरा, मन के महल में हमरा हो, खिड़की से झांकी के दिल ले गइल सवर की कनखी से ताकी के, दिल ले गइल सवर की कनखी से ताकी के। इस फिल्म का भी एक सीक्वेंस इन्होंने बनाया है, हम चाहते हैं दो लाइन सुनाएं। बिल्कुल आप सुना। इस फिल्म का एक सेट सॉन्ग है मंगिया में सिंदूरा सजा के हथवा में मेहंदी लगा के, मंगिया में सिंदूरा सजा के हथवा में मेहंदी लगा के, पाके पियावा के प्यार वो पे लोभा जैबू का, जाके ससुरा में जान हमके भुला जैबू का, जाके ससुरा में जान हमके भुला जैबू का। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मैं जोया, नफरत की चिंगारी मुहूर्त हो रही है यहाँ पे, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और हमें पता है कि इस फिल्म की तैयारी जिस तरीके से हो रही है, फिल्म भी बहुत अच्छी बनने वाली है, सो आप लोग भी वेट कीजिए। और मैं इस फिल्म के बारे में बोलना चाहूँगी, मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता है, लेकिन जो किरदार है मेरा, मैं सिस्टर हूँ, जो हीरो जी हैं उनकी बहन हूँ, सो आप लोग वेट कीजिए। उनकी भी तैयारी जिस तरीके से चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे हैं, बहुत मन से काम कर रहे हैं, और मैं दुआ करूँगी कि इनकी वो फिल्म जो प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा बने। नहीं, मेरा पहला प्रोजेक्ट नहीं है, इससे पहले मैं लाल इश्क मूवी में काम की हूँ, और फिर इसने मुझे चांस मिला इसके लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जितना भी भोजपुरी समाज का बोल लगा था नहीं, सबको प्रणाम करता नहीं, और जो फिल्म बार नफरत के चिंगारी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, और एक डायरेक्टर अमन श्रीवास्तव जी बालन, और बहुत अच्छा काम कर रहा है थे, और जितना भी भोजपुरी दर्शक हों सबके हम ये बात जरूर कहा चाह कि भोजपुरी फिल्म के जितना भी कॉन्सेप्ट बा, जितना भी करेक्टर बा, सब बहुत अच्छा हूँ, और ये फिल्म बहुत अच्छा जाई, आने वाले समय में बिल्कुल ही अलग हो हर मैटर से, जितना भी फिल्म चल रहा बनी इससे सबसे अलग एकदम हट के उसका कॉन्सेप्ट हो, और इनके अपन आशीर्वाद उपचार से भी सब दर्शक लोग भी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये जो पिक्चर है भोजपुरी फिल्म नफरत की चिंगारी, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मेरी पहली ही पिक्चर थी भोजपुरी फिल्म ससुरा बड़ा पैसे वाला, और मैंने रवि जी के साथ भी काम किया है चंदू की चमेली में, पवन भैया के साथ भी मैंने काम किए हैं तोहार कोनो जोड़ने के लिए जोड़ बारी। तो जो नफरत की जो चिंगारी जो मूवी है ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, और मैं भोजपुरी से थोड़ा सा दूर हो गए थे, लेकिन जब मैं
नफरत की चिंगारी को जब मैं सुना तो मुझे स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी, तो मैंने इसके लिए हाँ कर दिया कि नहीं मुझे इस पिक्चर में काम करना है तो करना ही है। और मैं पहली बार मैंने बहुत सारी फिल्मों में मैंने हंसी मजाक का रोल किया है, लेकिन जो नफरत की जो चिंगारी है ना, मैं इसमें मतलब एक विलन का रोल कर रहा हूँ हंसी मजाक, तो मुझे इसमें बहुत ही अच्छा लगे कि पहली बार हमें एक विलन का मौका मिला और मुझे बहुत ही अच्छा। हमारी ट्रस्ट है ब्रह्म मुनि सेवा संस्थान की टीम की तरफ से हमारी जो नफरत की चिंगारी को पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार मैं देता हूँ। आप बताइए नफरत की चिंगारी, मुझे तो पहली बार पता चला कि मेरे लिए तो सरप्राइज है। मुझे सर ने फोन किया आप यहाँ पे स्टूडियो आ जाइए, नफरत की चिंगारी में हम काम कर रहे हैं। भले नफरत की चिंगारी प्यार की चिंगारी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, और हम सब इसमें काम कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी काम है, बहुत अच्छी बड़ी बात है। हमारे अपोज भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, और भी सब शॉर्ट हाइट है, और ये हमारी ब्रह्म मुनि सेवा संस्थान की शॉर्ट हाइट की ये ग्रुप के प्रेसिडेंट हूँ मैं, और इसमें हमारे सारे टिंगू की पूरी टीम ये नफरत की चिंगारी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने अभी एक मूवी काम किया हंसा एक सहयोग, मेरी रिलीज हो गई है, मुझे आपने देखा होगा शायद, और चार मूवी में और भी किया है। फर्स्ट टाइम मैं भोजपुरी मूवी में काम कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इनको सोनम जी को बोला कि आप भोजपुरी में कुछ समझ में आता है पर बोलना नहीं आता है, बट ट्राई जरूर करूंगी और काम जरूर करूंगी, बहुत मजा आएगा हमें। हम लोगों का छोटे लोगों को भी मैसेज पूरी दुनिया में हटना चाहिए। थैंक यू। मैं इस फिल्म में काम तो करने जा रही हूँ फिलहाल, एक्चुअली मतलब इस फिल्म का टाइटल ही ऐसा है नफरत की चिंगारी एक प्रेम कहानी, तो जब टाइटल ही ऐसा हो तो फिल्म कैसी होगी। इनका कहने का मतलब यही है, और मेरा नाम रिंकू श्रीवास्तव है और मैं इस फिल्म में सेकंड लीड कर रही हूँ, और अच्छा लग रहा है मुझे हमारे डायरेक्टर अमन श्रीवास्तव सर के साथ काम करने में, और काफ़ी खुशी मिल रही है कि उन्होंने हमें उस काबिल समझा, तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। किरदार के बारे में मालूम है ना जी आपको, क्या किरदार निभाने जी सर? किरदार के बारे में मालूम है क्या? सर फिलहाल मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी है सब अच्छा है। पहली फिल्म जी आप दे रही हाँ हाँ इसमें मेरा सेकंड लीड है और सेकंड लीड का दूसरा लीड मेरा है। एक्चुअली अभी किसी को मतलब ओपनली बताया नहीं गया है, इसलिए थोड़ा सा इन्हें प्रॉब्लम हो रही है। किरण तिवारी पूरे भोजपुरी समाज का पैर छू के प्रणाम करना चाहूँगी, और आज हमारे माननीय श्री अंजन जी जिनकी मूवी का बहुत ही शुभ मुहूर्त है और फिल्म का बहुत ही अच्छा नाम है नफरत की चिंगारी। नफरत की चिंगारी जब नाम इतना अच्छा है तो शायद काम भी बहुत अच्छा होगा, और हालांकि बहुत अच्छा लग रहा है इस मुहूर्त में भी आके मुझे काफ़ी नए कलाकार से मतलब मेरी मुलाकात हुई है, और बहुत सारे मेरे पहले के भी कलाकार हैं जिनसे मेरी मुलाकात हो रही है, और बहुत ही अच्छा है। कहानी के हिसाब से देखा जाएगा तो मुझे भी एटलीस्ट मुझे पता नहीं है कि कहानी क्या है, बट जहाँ तक टाइटल है तो उसके हिसाब से कहानी बहुत ही अच्छा होगा ऐसा है। गायकी कर रहे हैं इसमें आप? नहीं मैं इसमें गायकी तो नहीं कर रही हूँ, आर्टिस्ट हाँ वैसे मैं सिंगर हूँ। पहला प्रोजेक्ट नहीं सर ये मेरी
पांचवी छठवीं मूवी है। इसके पहले भी मैंने धीरज ठाकुर की दो मूवी मैं कर चुकी हूँ। पुलिस गिरी में भी मैंने काम किया है, डायन टू में भी काम किया है, हॉरर मूवी उनका किया हुआ है। और मेरी दो तीन फिल्में मैंने चार पांच मूवी किया है सर लगातार, लेकिन वो सब अभी रिलीजिंग पे है। फिल्म के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतना ही कहूँगा कि फिल्म एक लव स्टोरी और बहुत अच्छी है और यूपी कल्चर बेस्ट है, और पिक्चर लोग देखें और इसे एंजॉय करें और आशीर्वाद दें, यही हमारा सोच है। हमारे साथ बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम भी मिले हैं, और बहुत सारे नए लोगों को मैं चाहता हूँ कि ज्वाइन करें और फिल्म करें और अच्छे तरीके से प्रेजेंट हों और अपनी ड्रीम पूरे करें और लोगों का एंटरटेन करें ऐसा। मेरा नाम कंचन बोरा है, मैं आर्टिस्ट हूँ और मैंने हिंदी मूवीज़ की है, और हमारे अप्पू जी के साथ मैंने भोजपुरी भी बहुत की है। और जब ये इनका चल रहा था प्रोजेक्ट तो मुझे एक ही बात बोलते थे कि आपको भाभी जी मेरे साथ काम करना है, तो मैं बोला मेरे न तो नसीब खुल जाएंगे तेरे साथ काम करने में। तो रात को अचानक इसका फ़ोन आया कि आप फ्री हो, तो मैं बोला हाँ अभी तो शो नहीं है, फ्री हूँ, बोलता आप जल्दी से आ जाइए। तो मैंने बोला क्यों, बोलता पिक्चर की मुहूर्त है। मैं बोला सच्ची, बोलता हाँ। बोला थैंक गॉड वापस हम मिले और सर से मिले न, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो इसकी स्टोरी है बहुत बहुत ही खूबसूरत है, देखते हैं। मैं इसमें भूमिका में नजर आऊँगी माँ के रोल में, मैं माँ के रोल में आ रही हूँ इसमें। हाँ जी, मैं बहुत सारे लोगों के साथ कर चुकी हूँ, बड़े बड़े लोगों के भी साथ कर माँ के कैरेक्टर में। माँ के कैरेक्टर में तो बहुत किया मैंने, अभी जो मैं प्ले कर रही हूँ 5 साल से मेरा प्ले चालू है स्टेज पर, काफ़ी यहाँ भोजपुरी भी मैंने किया, हिंदी भी किया, पंजाबी भी किया, गुजराती भी किया, मराठी भी किया मैंने। हमको ये कहना चाहेंगे कि बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया गया, और जो टाइटल है इसका, ये समाज के लिए एक सीख होगी कि अगर नफरत की चिंगारी समाज के अंदर फैलती है तो आपस में वैमनस्यता जो बढ़ती है वो प्यार को मार देती है। तो इस समाज के लिए और परिवार के लिए, देश के लिए, सबके लिए ये फिल्म एक सबक है, और मैं चाहता हूँ, मेरी शुभकामना है कि इसको जनता पसंद करे। मैं तो एक भी होना चाहूँगा, देखिए जो कि आज का दिन है और जो आज हमने जिस मुहूर्त में इसको किया है, तो इसके हिसाब से आज शुक्रवार जो कि चलचित्र आदि के लिए विशेष अच्छा माना जाता है, और उसमें अगर हम जो लिखावट है अगर उस पर देखें तो लाल और पीला, लाल रंग सूर्य का प्रतीक है जो कि ऊंचाई को दर्शाता है, और जो पीला रंग है वो बृहस्पति का प्रतीक है जो कि ज्ञान को बताता है। तो निश्चित ही इस पिक्चर में कुछ ऐसा सीख होना चाहिए या इसके अंदर ऐसा कुछ ध्येय होना चाहिए इस पिक्चर के अंदर जो कि मनुष्य को एक नई दिशा देगी। और आज एक तो पंचमी तिथि का प्रारंभ हो चुका है अभी से, और शुक्रवार है, तो इस तिथि के चलते ये पिक्चर बहुत अच्छे उस पर जाएगी, ये आशीर्वाद कहिए जाए, जो कि भावना जो निकलती है ज्योतिष के अनुसार, तो यही है आज के लिए। थैंक यू। अभी 7 सॉन्ग है और एक टाइटल सॉन्ग है, हम 3 सॉन्ग कर रहे हैं इसमें, और एक मोहन जी कर रहे हैं, मोहन राठौर जी, और एक उदित नारायण जी और इनके इंदु सोनाली जी के साथ है। अभी इस फिल्म के लिए अभी इससे पहले हमने बताया था वो हो मंगिया में सिंदूरा सजा के हथवा में मेहंदी लगा के, मंगिया में सिंदूरा सजा के हथवा में मेहंदी लगा के, पाप के पियावा के प्यार वो पे लोभा जई बुका जाके, ससुरा में जान हमके भुला जई बुका जाके, ससुरा में जान हमके भुला जई बुका। ये सॉन्ग है, एक सेट सॉन्ग इस फिल्म के
के बारे में सर बताया जाए तो बहुत ही अच्छा है, बट इसमें सॉन्ग क्या है अभी मुझे पता नहीं है, और स्क्रिप्ट का जो कहानी है आई थिंक मुझे वो भी पता नहीं है, बस इतना जानती हूँ कि थोड़ा रोमांटिक लव ऐसा कुछ है। भूमिका के बारे में सर अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, हालांकि रंजन जी हमारे अच्छे फ्रेंड हैं, उनके फ्रेंडशिप के हिसाब से हम यहाँ पे आए हुए, इन्वाइट किया गया है, हालांकि इसमें सीन है हमारा लेकिन अभी कुछ बताया नहीं है उन्होंने तो मैं बता नहीं सकती। और जहाँ तक रहा सवाल सिंगिंग का तो मैं थोड़ा बहुत गा लेती हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से। और मैंने मेरी दूसरी एक मेरी मूवी शूट हुई थी हमारा प्रेम लगन, उस मूवी में मैंने अपना खुद का गाना गाया हुआ था, दो गाने सॉन्ग गाए थे मैंने, उसी का सर एक लाइन सुना देना। अब हूँ तो है कि अपने मन में माने लहनी सजन हो, पिया पिया अब चार पहरिया बोलता धड़कन हो, रात सुनहरी में ओढ़ के चुनरी, रात सुनहरी में ओढ़ के चुनरी ढूंढे लाई मन मिलन, चांद के चेहरा बजैसन फूल के जैसन बदन। ये मेरा गाना है सर, आई थिंक मुझे याद भी नहीं आ रहा है, फिर भी गा दिया था। थैंक यू सो मच। अभी एक श्रुति म्यूजिक वर्ड से आया था मेरा एक गाना और अच्छा चल रहा है, रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। गाना है मन होखे तक कुछ ता बोली बाह काहे रुसल बानी मुंह खोली, मन होखे तक कुछ ता बोली काहे रुसल बानी मुंह खोली, ए जी लाली पलांग जमदानी तकिया, ए हो लाली पलांग जमदानी तकिया करवट फेरा हो बलमुआ हमार बोलिया, करवट फेरा हो बलमुआ हमार बोलिया। एक था एक सॉन्ग। थैंक यू। इसके पहले भी एक सॉन्ग किए थे, अभी लंच होने वाला है मेरा, एक सॉन्ग आने वाला है। मन के महल में हमरा हो, मन के महल में हमरा, मन के महल में हमरा हो खिड़की से झांकी के, दिल ले गइल सवर की कनखी से ताकी के, हो दिल ले गइल सवर की कनखी से ताकी के। ये करंट अभी आने वाला सॉन्ग है मेरा एक एल्बम। मैं कल्याण से हूँ और अमन श्रीवास्तव जी मेरे उन्होंने मुझे इन्वाइट किया है यहाँ आने के लिए, और इस फिल्म के बारे में उन्होंने मुझे थोड़ी सी जानकारी तो दी, मगर अभी तक कुछ ऐसी बातें हैं जिनको अंडरग्राउंड में रखा गया है, सब बातें सबके सामने तो ला नहीं सकते। सो मैं मानवाधिकार संगठन की तरफ से इस फिल्म को और सभी कलाकारों को तहदिल से धन्यवाद देता हूँ और आगे के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। रंजन कुशवाहा हूँ और मैं रंजन कुशवाहा जी हूँ कल्याण से। मैं स्टेज शो प्रोग्राम कराता हूँ, मतलब मैं सहयोग कर रहा हूँ, इससे पहले कुछ नहीं। भोजपुरी में तो बोले तो बहुत सारे जो कलाकार हैं, जैसे में कि खेसारी भैया हो गए, दिनेश भैया हो गए, कौन भैया, बहुत लोग हैं। देखते मिलने के लिए तो खेसारी भैया हो गए, समर भैया हो गए, दिनेश भैया हो गए, ये सब लोग से मिल चुका हूँ। अभी सोचा जाए तो डिसाइड हो रहा है, बातचीत हो रही है, देखो अभी क्या होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में बोलिए तो जो हम लोग मूवी तो बना रहे हैं,
इसका साउथ का पूरा जैसा करेक्ट है। तो फिल्म आने के बाद में आप देखेंगे ना? कहाँ के रहने वाले? कहाँ करते हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट मेरा गाजीपुर है। नहीं अभी इसको तैयारी कर रहे हैं, आगे चल के अमन जी से बहुत हमारी करीब की है। नहीं